नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फरवरी महीने के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सरकारी क्षेत्र के किस बैंक की मुंबई स्थित एक शाखा में 1.77 अरब डॉलर मतलब 11,346 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ? तो वो हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने मादक पदार्थ विरोधी योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेडियो उत्सव 15 फरवरी 2018 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NTPC किस देश को 300 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगी? तो वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु ने किस राज्य की टीम को 2-1 से हराकर 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया? तो वो हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कि ICC की नवीनतम वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंची है? तो ये पहुंची है पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पूरे देश में कितने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की? तो ये हो जाएगा 25 कॉलेजों को। अगला है, पूर्व केंद्रीय मंत्री बोला बुल्ली रमैया किस पार्टी से जुड़े थे? तेलुगु देशम पार्टी से। अगला, किस भाषा की मशहूर अभिनेत्री निर्माता और निर्देशक पार्वती घोष का निधन हो गया? तो वो हो जाएगा उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर किस भाषा के कवि और लेखक चंद्रशेखर कवार को चुना गया? तो वो हो जाएगा कन्नड़। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।